मोहम्मद कासिम नामी शख्स पर मैंने वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो यानी वो परसों अपलोड हुई थी। आप उसका कमेंट सेक्शन पढ़ें जाकर, तो आप देखेंगे उनके हक में बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि यही इमाम महदी हैं, माजल्ला। अच्छा, अब इनका तरीका वारदात कैसे है कि मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड की थी तो ये सारे अचानक आ गए। इसका मतलब ये है कि इनका सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है, कि जैसे ही इनके खिलाफ़ कोई वीडियो आती है या इनको एक्सपोज किया जाता है तो उनके चाहने वाले तो नहीं, खैर पैसों पे रखे होते हैं ऐसे लोग, वो चले जाते हैं और जाकर बताते हैं कि जी ये इमाम मेहदी हैं और आने वाले दौर में आपको पता चलेगा और आप बड़ा गुनाह कर रही हैं अगर आप इनके खिलाफ बात कर रही हैं, आप पे अजाब आ जाएगा। बहरहाल इस वीडियो को देखें जो स्क्रीन पर चल रही है और फिर इस पर बात करते हैं। तो 2013 में जब वो लड़की मुझे छोड़ गई और मुझे भी यकीन हो गया कि वो मुझे नहीं मिलने वाली, तो फिर मैं यानी मेरी ड्रीम की तरह की सिचुएशन, मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया और मैंने कहा कि मेरा तो सारा मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है, तो अब जो वक्त गुजर गया वो वापस तो नहीं आएगा। जनवरी 2014 में अल्लाह ने मुझे एक ख्वाब में बताया कि कासिम, मैंने उस लड़की के ज़रिए तेरी 20 साल आजमाइश की, मैं देखना चाहता था कि तू अल्लाह की रहमत से मायूस होने वालों में से तो नहीं है। तो मैं ड्रीम में इवन मैंने अल्लाह से एक तरह से गिला भी किया कि आखिर तूने एक लड़की के ज़रिए मुझे क्यों आजमाया। तो अल्लाह ने कहा, कासिम मैंने तेरे इतने साल आजमाइश करनी ही थी, चाहे उसका तरीका कुछ भी होता, तो तुम अब घर जाओ और घर जाके तो आराम करो और मैं फिर तुम्हें बताऊँगा कि तुमने आगे क्या करना है। तो 20 या 22 अप्रैल 2014, इसमें अल्लाह ने पहली बार मुझे कहा कि कासिम, जो ख्वाब मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो, मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। बहरहाल आप ये देखेंगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जहाँ फर्स्ट वही आती है और जो अल्लाह के अल्फाज हैं, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से जो है ये बात अब अलानिया बयान की जाए, वो बात, वही वाली कैफियत, ये सारी बातें जिन्होंने इस्लाम पढ़ा हुआ है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो जब इनकी बात सुनते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि ये एक मगलूबा तैयार हुआ हुआ है। इन्होंने कहा कि आप ड्रीम शेयर करें ताकि लोग समझ सकें कि मैं कौन हूँ, यानी कि तुम कौन हो, अल्लाह कह रहा है इनसे। अस्तग़फिरुल्लाह, तो आप कौन है, मेरा सवाल है आपसे, क्या हैं आप, क्या आपका दर्जा है, आपको ये ड्रीम्स आ रही हैं तो कौन है आप, ताकि हमें मालूम हो जाए ना, क्योंकि आप जूम आईनी बात करते हैं और जब आप जूम आईनी बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इमाम महदी होंगे। नेक्स्ट वीडियो देखें और फिर उस पर बात करते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो, मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। तो जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा कि ये तो बड़ा अजीब सा अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये तो ऐसा हुक्म है कि वो यानी अगर मैं मेरे घर वाले यकीन ना करें तो जो मुझे जानता ही नहीं है तो वो कैसे यकीन करेगा इन ड्रीम्स पे। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि मैं हातिम नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करता हूँ कि वो क्या हुक्म देते हैं। तो वो भी कोई 7 दिन हफ्ता 10 दिन बाद ड्रीम्स में आए, तो उन्होंने भी मुझे वही कहा कि जो ख्वाब अल्लाह ने तुम्हें दिखाए हैं वो लोगों से बयान करो। तो चूंकि अब अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने मुझे वही हुक्म दिया, तो मेरे पास फिर कोई और चॉइस ही नहीं थी। मैंने फिर वो ड्रीम शेयर करना शुरू किया ईमेल्स के थ्रू अपने घर वालों से इधर उधर। तो दूसरी वीडियो में आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि शेयर करें, तो जब मैं सोकर उठा मैंने कहा कितना अजीब अल्लाह का हुक्म है। सबसे पहली बात है कि आपको बात करने का पता होना चाहिए, आपको अदब और लिहाज का पता होना चाहिए। आप अल्लाह के बारे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने लगे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अजीब हुक्म है, तो आप कह रहे हैं कि आपने नहीं माना, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट किया, ठीक हो गया, ये बात समझने की है। अब यहाँ पर एक तरीका है वारदात इस शख्स का, ये है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम लेता है, हज़रत मोहम्मद, खातुमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये बारहा हर जगह नाम लेता है। इसका ये साइकी पर एक अफेक्ट होता है कि जब आप एक शख्स का नाम लेते हैं तो आपको अजबर हो जाता है और एक वक्त ऐसा आता है कि दिमाग ये एक्सेप्ट कर लेता है कि जिसका ये नाम ले रहा है उसी शख्स ने वो हुक्म दिया है। हम जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहते हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत कम आप स्कॉलर को देखेंगे, एक अपनी पूरी तकरीर में वो हजूरे पाक कह रहा है, नबी पाक कह रहा है, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक मर्तबा शुरू करेगा और बाद में फिर आपको बताता जाएगा पूरी तकरीर। लेकिन ये शख्स हर बात में खातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि सुनने वालों को ये क्लियर हो जाए कि ये ख्वाब वाकई ही आया था। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। करना छोड़ दिए, तो फिर अक्टूबर 2014 में एक ख्वाब में मैं अल्लाह से कह रहा होता हूँ कि अल्लाह इन ख्वाबों पर कोई यकीन नहीं करने वाला और मैं सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ।
तो अल्लाह फिर कहता है कि नहीं कासिम, जब मैं किसी काम का इरादा करता हूँ तो फिर मैं उसको करके छोड़ता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होता। तो फिर अल्लाह इंटरनेट को बुलाता है और इंटरनेट को हुक्म देता है कि जो कासिम के ख्वाब है ना ये पूरी दुनिया में फैलाओ, तो वो फिर वो दुनिया में फैलाता है। तो फिर उसके बाद मैंने करते करते जनवरी 2015 में ड्रीम्स को ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया। वो भी एक तो इस ड्रीम से मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ और दूसरा दूसरी ये बात कहते हैं कि जी अल्लाह ने इंटरनेट को बुलाया और कहा कि इसकी बात को पूरी दुनिया में फैला दें। इंटरनेट के में जो है आपके खिलाफ बहुत सारी बातें बनेंगी। अब क्या ये भी सही बात है कि आपको ये ख्वाब आ चुका है कि हम आपके खिलाफ बात करने वाले हैं? सारे स्कॉलर्स आपके बारे में बता चुके हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप पर मसला है। ये भी आपको ख्वाब में आया या नहीं आया? नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। कोई दिसंबर के शुरू में हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में एक ही रात में दो बार आए और उन्होंने मुझे यही कहा कि कासिम अपने ख्वाब लोगों से बयान करो पाकिस्तान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। तो वो एक ही रात में दो बार आए, तो मैंने यानी जब भी हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में दो बार ख्वाब में आए तो वो इसका मतलब होता है कि मुझे वो काम करना होता है। तो वो फिर मैंने जनवरी 2015 में स्टार्ट किया ड्रीम शेयर करना। तो इतने कमेंट्स बीच में नीचे इतने बुरे कमेंट्स आए तो मैंने कहा मैंने इस काम के लिए तो नहीं ये ड्रीम शेयर करना शुरू किए थे कि लोग मुझे बुरा बुला के हैं। तो वो फिर मैंने जनवरी के एंड तक ना पक्का फैसला कर लिया कि मैं इन ख्वाबों को ना शेयर करना बंद कर दूंगा। तो फिर 8 फरवरी 2015 उसमें ड्रीम में हातिमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी आवाज़ जो थी ना वो बहुत ही अफसरदा थी, जैसे जैसे अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो वो उनके लिए यानी बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि कासिम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुआ करते और तुम इस काम को मत छोड़ो और इसको करते रहो और अल्लाह तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तो मैं जब सुबह उठा तो मैंने कहा कि अच्छा जी, इसमें ये कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात में दो मरतबा आए और कहा कि आप ख्वाब शेयर करते रहें, ये पाकिस्तान को और इस्लाम को बचाने के लिए है। आपने शेयर किया 2015 से 2023 में पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने तक गया। इस्लाम के खिलाफ हर काम हुआ। ये वहाँ पर जहाँ आप कह रहे हैं कि सब कुछ हो जाना ठीक है, यहाँ पर ये हुआ कि अब भावलपुर यूनिवर्सिटी से 55,000 लड़कियों की वीडियोज़ लीक हुई। ठीक है, बहरहाल दूसरी बात, लास्ट में इन्होंने बात कही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। ये कहते हैं कि जी मैंने कहा कि मैं ड्रीम शेयर नहीं करूंगा, तो उस रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में आए और फरमाया, बड़ी अफसरदा उनकी आवाज़ थी और ऐसे लग रहा था जैसे अगर मैं ये ख्वाब शेयर नहीं करूंगा तो उनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। माज़ल्ला, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करें, आप पे पता है ये तो गुस्ताखी है सरीहन कि अगर आप ड्रीम शेयर नहीं करेंगे तो उनके लिए मसला हो जाएगा। दिमाग का इलाज करवा लें। मैं आपको यहाँ पर, बहरहाल मैं ये एंड में सारी बातें करूंगी, आप पर तो दूसरी बातें भी लागू हो जाती हैं कि जो आप बातें कर रही हैं। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपके अल्फाज का चुनाव क्या होना चाहिए। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि आप बात किन के बारे में कर रहे हैं। उनके लिए क्यों मसला हुआ अगर आप ड्रीम शेयर नहीं करेंगे? होशो हवास में हैं आप? अब नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अल्लाह वहाँ से चला जाता है, अब मैं देता है और फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम या तो वो काम करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया या फिर इन अंधेरों में हमेशा हमेशा के लिए पड़े रहो और तुम मेरा यकीन करो मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा। तो ये कह के अल्लाह वहाँ से चला जाता है। अब मैं उधर दीवार पे नीचे बैठ के तो सर टांगों में दबा के तो सोचता रहता हूँ कि और कहता हूँ कि मैं इधर भी अगर रहूँगा तो मौत मुझे यहाँ भी आ जानी है, लेकिन जैसा कि अल्लाह मुझे कहता है कि वो मेरी हिफाजत करेगा तो मुझे अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। तो फिर मैं वो बाहर निकलता हूँ तो वो करते करते अल्लाह मुझे बचाते आ रहता है और मैं उस जगह पहुँच जाता हूँ। तो फिर अल्लाह मुझे कहता है कि कासिम क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक बाहिफाजत पहुँचाऊँगा? तो फिर मैं अल्लाह से कहता हूँ कि हाँ या अल्लाह तूने अपनी बातें सच कर दिखाई। तो यहाँ पे फिर मैं कहता हूँ अल्लाह से कि अब मैं कल अपने जितने भी मैंने मेरे काम हुए मैं वो सारे कर लूँगा। तो फिर यहाँ पे अल्लाह सीरियस हो के ना मुझे कहता है अच्छा कासिम तो फिर मैं भी उसके बाद क़यामत कायम कर दूँगा। तो इस तरह के भी ड्रीम्स जो है ना काफ़ी मुझे आए जिसमें क़यामत का आखिरी दिन होता है और मैंने अपने काम करने होते हैं लेकिन मैं हर ड्रीम में किसी ना किसी वजह से अपने काम कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से क़यामत कायम नहीं करता और एक और दिन देता है जिसमें वो फिर मैं उससे अगले दिन जो होता है ना वो अपने सारे काम कंप्लीट करता हूँ।
फिर जब अल्लाह ने मुझे ख्वाबों का हुक्म दिया शेयर करने का, तो फिर मैंने सोचा कि कहीं अल्लाह के वादे वो तो नहीं है जो मुझे एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड आए थे, जिसमें हम ईसा अलैहिस्सलाम से जा के मिलते हैं और फिर वो क़यामत के दिन के ख्वाब। तो मैंने कहा हो सकता है अल्लाह के वादे जो है ना वो हों। लेकिन फिर भी जब मैंने ड्रीम शेयर करना शुरू किया तो मैंने कहा बस दो चार लोग यकीन कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर अब आज मैं देखता हूँ दुनिया भर से लोग ड्रीम्स पे अल्लाह की रहमत से उसकी मदद से बिलीव कर रहे हैं। अच्छा जी, इस ख्वाब में अल्लाह ताला चल कर आए हैं, इनसे बात किया और फिर चले गए हैं। आप ख्वाब में किस तरह से अल्लाह को किस हालत में देख रहे हैं पहले तो आप ये क्लियर कर दें कि अल्लाह ताला आए हैं, बात की है और फिर चल कर चले गए हैं, ये बात क्लियर कर दें। दूसरा, अल्लाह ताला आपको कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैं अपने वादे सच्चे कर दिखाऊंगा जब तुम ये काम करोगे, वो कौन सा वादा आपसे, आपसे कौन सा वादा किया गया है? आप हज़रत ईसा से मिलते हैं, आप हज़रत इमाम मेहदी का जिक्र कहीं भी नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप चेक करें कि इन्होंने क्या क्या कहा हुआ है। इन्होंने ये कहा हुआ है कि मैं कोई दीनदार आदमी नहीं हूँ, मेरी दाढ़ी, इन्होंने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई, जबकि कोई एक मरतबा सिर्फ उमरा कर आता है ना गुनाहगार आदमी, तो वो आकर वापस दाढ़ी तो ज़रूर रख लेता है कि आप उमरा कर रहे हैं, आप ये हरकतें नहीं करनी। तो आपको तो इतनी ज़्यारतें हो रही हैं और आपके, आपने फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो चेहरे पर नहीं सजाई। दूसरी बात अहम ये है कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो आपसे वादे किए वो सच्चे हो गए, वो कौन से वादे थे जो सच्चे हो गए, क्या वादे किए उन्होंने आपको? फिर आप कहते हैं हज़रत ईसा से जाके मिलते हैं, इसमें सारे जिक्र में आप हज़रत इमाम मेहदी का जिक्र कहीं भी नहीं करते। आप इनकी सारी वीडियोस देखें, हज़रत इमाम मेहदी पर ये बात नहीं करते, सामने स्क्रीन पर पिक्चर्स चल रही होंगी, फिर ये कहते हैं कि मैं इमाम मेहदी को जानता ही नहीं हूँ, कहने को ये सैयद हैं। आप सबसे पहले देखें कि इमाम मेहदी जो होंगे वो अरब में जाकर अपनी खिलाफत कायम करेंगे, और आपको पता है अरब वो लोग हैं जो अपने 100-100 साल के पुराने शजरे संभाल कर रखते हैं। आप अपना शजरा तो ज़रा सामने लेकर आएँ ताकि अंदाज़ा हो सके, फिर हम उस पर रिसर्च करें कि छजरा बाकी जो आपने पेश किया ये वैसे ही है। बहरहाल नेक्स्ट बात हम करते हैं, इन्होंने कहा कि अच्छा इनकी ना आगे ड्रीम्स बहुत सारे हैं, मैंने इनकी पूरी वीडियो देखी है 1 घंटे से ज़्यादा, और मैंने सारी वीडियोस तकरीबन देख रही हूँ क्योंकि इनके फॉलोइंग का ही कहना था कि रिसर्च करें। तो आपने जो बात की ना रिसर्च करने, बहुत गलत बात कर दी। अब आपको मैं हर रिसर्च इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बड़े डिटेल में बताऊँ, मानना तो आप लोगों ने है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह दूसरी आवाम के पास बड़े सबूत इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पर ये नोट करें कि हज़रत ईसा से ये जाकर मिलते हैं जबकि हज़रत ईसा से इमाम मेहदी ने जाकर मिलना है जब दज्जाल का खात्मा होना है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट आप करते रहें कि ये शख्स अपनी जहाँ जहाँ हज़रत इमाम मेहदी की बात होगी ना, ये शख्स वहाँ वहाँ ख़ुद को फिट करेगा ख्वाबों के ज़रिए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले, मेरा आपसे सवाल है, अल्लाह ताला ने आपसे कौन सा वादा किया है, अल्लाह ताला ने आपको क्या मुकाम दिया है, और वो कौन हो आप? क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि जाकर लोग जान लें कि तुम कौन हो, तो तुम कौन हो? मुझे ये सवाल के, तीन सवालों के जवाब काइंडली बता दें ताकि अंदाज़ा हो जाए। अब उस बात पर आते हैं कि एक शख्स जो इनका फॉलोवर है, स्कॉलर बना हुआ है, पता नहीं वो है कि नहीं है, थोड़ा सा क्रिमिनल टाइप लगता है देखने में। अच्छा,